वेलकम बैक फ्रेंड्स दिस इज करंट अफेयर्स पंडा आज की दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के बारे में जो भी मार्च मंथ में होते हैं उनके बारे में तो डिटेल्ड एनालिसिस बेसिकली उनका होगा और एक चीज़ और ये आपके एग्जाम्स में एक मार्क का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो जिस करंट मंथ में आपका एग्जाम होता है उसका डेट एंड डेट आप जरूर नोट डाउन कर लें और इस तरह से हम अपकमिंग जैसे जैसे मंथ फिनिश होगा उसकी वीडियो आप तक लेकर जरूर आएंगे तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल बेलाइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हर एक अपडेट आप तक आता भी रहे और इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें सबसे जो फर्स्ट हम बात करेंगे तीन मार्च की तीन मार्च को बेसिकली दो दिवस मनाए जाते हैं एक होता है बर्ड लाइफ डे डे और दूसरा होता है नेशनल डिफेंस ये तीन मार्च को दो दिन बेसिकली सेलिब्रेट सबसे पहले हम बात करेंगे बर्ड वाइल्ड लाइफ डे की तो ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यू एन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और ये बेसिकली है क्या तीन मार्च को प्रोक्लेम किया गया था कि द डे ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कन्वेंसन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन द Endangered स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फाउन एंड फ्लोरा एज अ World वाइल्ड लाइफ डे देखो एक चीज बताना चाहूँगा इंडेंजर्ड स्पीसीज का क्या मतलब होता है देखो दोस्तों इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब होता है ऐसी प्राणियाँ या फिर ऐसी चीजें जो विलुप्त हो रही हों जिनका अस्तित्व धीरे तो धीरे खत्म हो रहा हो तो उनको हम क्या कहते हैं Endangered कहते हैं ठीक है थेके? तो इनके प्रोटेक्शन के लिए ही अल्टीमेटली ये दिवस मनाया जाता है बर्ड वाइल्ड लाइफ डे ठीक है अब इसकी थीम जो 2017 की मैं थीम बता रहा हूँ ये है, आ, ये 2017 की थीम है, लेकिन जैसे जैसे ईयर अपडेट होता रहेगा वैसे थीम चेंज होती रहेगी बाकी बैकग्राउंड डिटेल यही रहेगी ओके दूसरा हम बात करते हैं नेशनल डिफेंस डे के बारे में ये इंडिया के इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है और ये बेसिकली है क्या नेशनल डिफेंस डे इज फॉर्मड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैडेट्स ऑफ द थ्री सर्विसेज देखो नेशनल डिफेंस डे में क्या है तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं पहली चीज़ आर्मी नेवी और एयरफोर्स ठीक है इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है ये इस दिवस के रूप में मनाया जाता है द नेशनल डिफेंस एकेडमी इज अ ज्वाइंट सर्विसेज एकेडमी ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ठीक है इंडियन आर्म फोर्सेज की है क्या बेसिकली ज्वाइंट सर्विस अकेडमी है जिसको हम कहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी ठीक है Academy, और एन नेशनल डिफेंस डे ये सेलिब्रेट किया जाता है कब तीन मार्च को अगले दिवस की हम यहाँ पर बात करते हैं चार मार्च को ये मनाया जाता है नेशनल सिक्योरिटी डे ओके अब दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है इंडिया मतलब भारत में मनाया जाता है चार मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी डे क्यों टू प्रेज द वर्क ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज ओके okay, जो हमारे यहाँ के जवान हैं सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनको प्रेस किया जाता है हु इंश्योर दैट द दिटिजन ऑफ इंडिया स्लीप कैन स्लीप पीसफुली विदाउट फ्रेटिंग ओवर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री मतलब कि ये हमारे देश की रक्षा करते हैं और इसीलिए इनको एक सम्मान देने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सिक्योरिटी डे ओके एक चीज और इसको एक नाम और दिया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी कहा जाता है ठीक है द डे इज डेडिकेटेड टू ऑल द सिक्योरिटी फोर्सेज सच एज पुलिस मैन कमांडोज गार्ड्स आर्मी ऑफिसर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड अदर पर्सनस इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटी हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इस उपलक्ष्य में ही ये दिवस दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है अब अगला हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे इसका क्वेश्चन तो आप ये मान के चलिए अगर आपका इस मंथ के आसपास में एग्जाम पड़ता है तो ये पूछ लिया जाता है टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ वुमेन वाइल कॉलिंग फॉर ग्रेट ग्रेटर इक्वालिटी अब जैसे महिलाओं को क्या है कि आगे बढ़ाया जाए उनको किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए ठीक है उनकी वैल्यू को लोगों तक पहुंचाया जाए इस दिव... इस वजह से ही हम इसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं ठीक है और जो भी वुमेन का एक तरह से अचीवमेंट होता है उसको एक तरह से सेलिब्रेट करना ओके तो ये क्या है इंटरनेशनल वुमेन्स डे आठ मार्च को जो मनाया जाता है इसको बिल्कुल याद कर ले अच्छे से और ये इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है यूनाइटेड नेशंस ठीक है थीम हर वर्ष आपको समझनी होगी 2017 की थीम मैं आपको बता रहा हूँ वुमेन इन द चेंजिंग वर्ल्ड चेंट फिफ्टी फिफ्टी वाई ट्वेंटी थर्टी और एक हैशटैग भी चल रहा है 2017 के लिए बी बोल्ड फॉर द चेंज ठीक है ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में ही ये सब चीजें हैं तो हर एक एक्टिविटी के ऊपर आपकी नज़र दोस्तों रहनी जरूरी है अगला दिवस जो है नौ मार्च को है बर्ड किडनी डे अब ये आप याद कर लें कि नाइन मार्च सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड किडनी डे अब वर्ल्ड किडनी डे जो है ये ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन है जो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है डब्ल्यू एच ओ इसके द्वारा यह सेलिब्रेट किया जाता है और ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन है जिसका फोकस किस पर होता है इंपॉर्टेंस ऑफ द किडनीज एंड रिड्यूसिंग द फ्रीकेंसी एंड इम्पैक्ट ऑफ किडनी डिजीज एंड इट्स एसोसिएटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड ठीक है ये है और वर्ल्ड किडनी डे जो है ऑब्जर्व एनुअली होता है ये सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है मार्च में ठीक है ध्यान रखना कि ये हर एक वर्ष नाइन मार्च को कंपलसरी नहीं है लेकिन जो मार्च मंथ में सेकेंड थर्सडे होगा उसको ये सेलिब्रेट किया जाता है 2016 की बात की जाए तब ये 10 मार्च को बनाया जाता था ठीक है तो ये आपको अपने आप से अपडेट रखना होगा जिस करंट ईयर में आपका एग्जाम है ओके उसी के हिसाब से ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से आपको बनाना होगा ठीक है अगला जो है ये है वर्ल्ड कंज्यूमर डे की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ये दोस्तों पंद्रह मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इसकी थीम याद कर लें दो की क्या है ये है दोस्तों विल्डिंग अ डिजिटल वर्ल्ड कंज्यूमर्स कैन ट्रस्ट ठीक है ये क्या है कि जो एक किसी भी कंज्यूमर के बेसिक राइट्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए और एक तरह से उसको रिस्पेक्ट दिया जाए और उसको प्रोटेक्ट किया जाए इसके लिए ही ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ये मनाया जाता है ओके तो हम लोग देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में आता है जागो ग्राहक जागो कोई भी अगर प्रोडक्ट आपका ख़राब निकल जाता है तो आप देखते होंगे कि आप कंज्यूमर फोरम में चले जाइएगा ठीक है जहाँ पर उपभोक्ता कोर्ट जो है वहाँ पर आप जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं ओके okay, तो अल्टीमेटली क्या है कि जो बेसिक राइट्स हैं कंज्यूमर्स के उनको प्रोटेक्ट करना और उनको प्रमोट करना इस वजह से ही बर्ड कंज्यूमर राइट डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है एक और है दोस्तों वर्ड स्पैरो डे ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन आपका ये ये बन जाता है कि स्टेट वर्ड जो है वो कहाँ का डिक्लेयर किया गया है तो द हाउस स्पैरो वॉज डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली सबसे पहला क्वेश्चन आप इसको नोट डाउन कर लें दूसरी चीज़ क्या है कि वर्ड स्पैरो डे जो है ये रेज किस लिए होता है कि टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द हाउस स्पैरो एंड देन अदर कॉमन बर्ड्स टू अर्बन इन्वायरमेंट एंड ऑफ द थ्रेट्स टू द देयर पॉपुलेशन ठीक है इसका पर्पस यही है कि एक ऐसी अवेयरनेस जो लोगों तक पहुंचाई जाए जिससे हाउस स्पैरोज और अदर बर्ड्स हैं ठीक है थीके? तो इनको एक तरह से वहाँ पर बना मिल सके और जो हमारा रेपिडली चेंजिंग एन्वायरमेंट है इसमें इनकी वैल्यू को समझा जा सके ठीक है एंड थ्रेट्स टू देयर पॉपुलेशन फाइन अब एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि ये जो इनिशियेटिव है वर्ल्ड इस्पेरोके okay? एक इंटरनेशनल इनिशियेटिव है किसका नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया इन कोलेबोरेशन विद सेवरल नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपका है इको सिस्टम एक्शन फाउंडेशन फ्रांस का है ये भी इंक्लूडेड है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड स्पेरो डे ये आपका मनाया जाता है बीस मार्च को और ये जो स्टेट वर्ड है ये कहाँ का दैली ठीक है ये आप नोट डाउन कर लें दूसरा एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है 20 मार्च को क्या मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ठीक है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो ये सेलिब्रेट किया जाता है और एक चीज़ और कि ये क्यों मैंने ये 20 मार्च को आपका सेलिब्रेट किया जाता है फाइन और ओवर द वर्ल्ड में ऑल ओवर द वर्ल्ड में मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हैप्पीनेस डे और ये यूनाइटेड नेशंस जो है एडवाइजर थे जेमी एलियन ठीक है इन्होंने 28 जनवरी 28 जून 2012 को इसको स्टार्ट किया था फाइन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस अगला जो दिवस है दोस्तों यह है इक्कीस मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे ओके जैसे कि प्लांटेशन को प्रमोट करना एक तरह से इसलिए यह वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है और यह हर एक वर्ष मनाया जाता है और इसका जो पर्पस है यह है टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट जो भी फॉरेस्ट है उसकी इंपॉर्टेंस को लोगों तक बताना और फॉरेस्ट के आउटसाइड में जो ट्रीज देखते हैं उनकी इंपॉर्टेंस लोगों तक बताना ये क्या है, है।, है, है okay. नोट डाउन कर लें एक लाइन में कोटेशन डालकर नोट कर सकते हैं और जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है हुआ था 1971 में, और इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन एफ ए इसको आप याद कर लें ठीक है और इसी दिन दोस्तों 21 मार्च को ही एक दिवस और सेलिब्रेट किया जाता है बर्ड पोएट्री डे ठीक है यह यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था डिक्लेयर किया गया था द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1999 में 1999 में किस लिए टू प्रमोट द रीडिंग राइटिंग पब्लिशिंग एंड टीचिंग ऑफ पोएट्री थ्रू आउट दर्ड मतलब कि पोएट्री के एक तरह से रिच कल्चर को प्रमोट करने के लिए ही वर्ल्ड पोएट्री डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है कि इसकी चीज़ें बताई जाए रीडिंग राइटिंग पब्लिशिंग ऑफ एंड टीचिंग ऑफ पोएट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड एक और है बर्ड वाटर डे ये दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को अब ये किसके द्वारा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे 1992 में इसकी स्टार्ट की गई थी एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यू में और द फर्स्ट वाटर जो वर्ल्ड वाटर डे है ये कब मनाया गया था उन्नीस में ओके okay. और इसकी थीम क्या है वाई वेस्ट वाटर 2017 की तो अगर आप इस वीडियो को 2018 में जब अपकमिंग देखेंगे तो उस हिसाब से आपको इसकी थीम को है अपडेट अपने आप को करना होगा ओके फर्स्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे जो है ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा स्टार्ट हुआ था उन्नीस में आप इसको नोट डाउन कर लें फाइन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ से बन सकता है कि 23 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है ये होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ये दोस्तों मौसम से रिलेटेड होता है ठीक है वेदर से रिलेटेड होता है तो इसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग क्लाउड्स इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2017 2017 की जो थीम है वो क्या है अंडरस्टैंडिंग क्लाउड्स ओके अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्लू जो है इसके द्वारा ही ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ये क्या है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद द मेंबरशिप ऑफ 191 मेंबर स्टेट्स एंड टेरिटरीज इसमें एक सौ इक्यानवे मेम्बर कंट्रीज़ हैं फाइन और इसका हेडकोर्टर आप नोट डाउन कर ले जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ओके इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है आपके लिए और इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आई इसकी यहाँ पर बात हो रही है इसके द्वारा ही ये बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन है फाइन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे को प्रमोट करता है ओके okay. अगला जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा सकता है कि 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबर डे ठीक है वर्ल्ड ट्यूबर डे ये दोस्तों आप देखते हैं टीबी मतलब कि जो ये डिसीज़ है इसके अवेयरनेस को लोगों तक पहुँचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन क्या है डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कंपेन चलती है ओके okay. ये एक इन्फेक्स डिजीज होती है कॉस्ड वायदा एम जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियम माइको बैक्टीरियम ठीक है और ये किसने डिस्कवर की थी डॉक्टर रॉबर्ट कोच इन द ईयर ऑफ 1882 में ओके okay. एक चीज़ और वर्ल्ड टी वी डे इज़ वन ऑफ द एट ऑफिशियल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंपनी मार्क बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू के द्वारा ठीक है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड थिएटर डे की ये 27 मार्च को दोस्तों बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है तो आप इसके बारे में भी नोट कर लें और इसका बेसिकली पर्पज़ क्या है पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम नोट डाउन कर ले ये इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ठीक है इसके द्वारा ये इनेबल्ड है और वर्ल्ड थिएटर डे का ये पर्पस क्या है टू तो फिगर ऑफ वर्ल्ड स्टेचर सीअर्स हिज और हर रिफ्लेक्शन ऑन द थीम ऑफ थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस ओके तो ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों ये आप बैकग्राउंड में नोट डाउन कर सकते हैं बाकी क्वेश्चन जो है आपका वो कुछ इस फॉर्मेट में ही आपसे पूछा जाएगा कि बर्ड थिएटर डे जो है ये किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है ऐसे क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में बनते हैं तो हम कुछ इस तरह से और भी अपकमिंग वीडियोज़ आप तक लाएंगे ताकि आपको ये याद हो जाए और दोस्तों आप इनको एक से दो बार रिवाइज करें आसानी से याद हो जाएंगे और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें थैंक यू फ्रेंड्स हैव अ गुड डे